दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जनधन अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं और खुलवाने से आपको क्या फायदा मिलेगा। इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मैं हूं परवेश कुमार, हमारे इस यूट्यूब चैनल इनफॉर्मल न्यूज में आपका स्वागत है। अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हर महीने अपने बैंक अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस नहीं रख सकते हैं तो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा लेना चाहिए, वो अकाउंट जिसमें मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। तो सरकार की जनधन योजना के तहत मुफ्त में ये बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खोला जा सकता है और सभी सरकारी और निजी बैंक में ये सुविधा देते हैं। आप इन अकाउंट के जरिए देश में कहीं भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जनधन खाता खोलने वाले को फ्री ऑफ चार्ज रुपए डेबिट एटीएम कार्ड भी मिलता है, इससे आसानी से पैसे निकाला जा सकता है या खरीदारी भी कर सकते हैं। रुपए कार्ड पर मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जो 28 अगस्त 2018 के पहले के कार्ड पर ये कवर 1 लाख रुपए का था। और अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों पर 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंशल इंश्योरेंस भी कवर मिलता है। तो दोस्तों आपको जमा राशि पर ब्याज भी मिलेगा। अकाउंट जब 6 महीने तक चालू रहेगा तो 6 महीने के बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है, यानी बैंक से आप बिना जीरो बैलेंस पर भी लोन की तरह पैसे ले पाएंगे। तो ओवरड्राफ्ट की जो सीमा होगी वो 10,000 रुपए, बिना किसी शर्त के 2,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। और जनधन अकाउंट में 30,000 रुपए का लाइफ कवर भी मिलता है, जो अकाउंट होल्डर की मृत्यु पर नॉमिनी को मिलता है। तो दोस्तों हम एक चीज और हम बता दें कि इस जनधन अकाउंट को कौन नागरिक खुलवा सकता है। तो जनधन योजना में देश का कोई भी नागरिक बैंक में अपना खाता खुलवा सकता है। तो इस योजना के तहत 10 साल तक से छोटे बच्चे का भी खाता खोला जा सकता है और जनधन खाता फ्री में खोला जाता है और इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ता है और 6 महीने बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। ओवरड्राफ्ट की जो सीमा होगी वो 10,000 रुपए मिलेगी। तो दोस्तों एक चीज हम और बता दें कि अगर आप सरकार की जो योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो जनधन जरूरी है। सरकार अपनी योजनाओं के तहत जब भी लोगों को पैसा देती है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो वो पैसे जनधन अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। लॉकडाउन में करीब 20 करोड़ महिला जनधन अकाउंट होल्डर को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपए के 3 किस्त ट्रांसफर किए गए थे, जिसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के लिए भी इसी अकाउंट में पैसे आते हैं। तो सरकार को बीमा और पेंशन योजनाओं के लिए भी पैसा जनधन में ही ट्रांसफर होते हैं। देश में कुल 42.5 करोड़ जनधन अकाउंट हैं, जिसमें 14,000 करोड़ का बैलेंस है। इसे खोलने के लिए एक सरकारी पहचान पत्र जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या आधार कार्ड या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, तभी आप जनधन अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं या खाता खुलवा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको यहीं तक हम बताने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगर आपको जनधन अकाउंट से संबंधित कोई भी आपके मन में सवाल है या आपको कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ।